आज दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में गोलियां चली थी, तो वहीं आज कोर्ट नंबर 102 से धमाके की आवाज आई। धमाके की आवाज से ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद रोहिणी जिले के DCP समेत पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट नंबर 102 के बाहर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक धमाका हुआ, जिसमें 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है। लोगों को लगा कि फिर से कोर्ट में गोलियां चली हैं। धमाके की आवाज सुनते ही कोर्ट में मौजूद लोगों में डर बैठ गया और जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रोहिणी कोर्ट में अदालत की कार्यवाही के दौरान एक लैपटॉप बैग में संदिग्ध विस्फोट हुआ। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साक्ष्य जुटाने के लिए घटना स्थल को घेरे में ले लिया गया है। फोरेंसिक और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीमें घटना स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। आइए सुनाते हैं कोर्ट परिसर पर मौजूद वकीलों का इस घटना पर क्या कहना है। आज कोर्ट शुरू होने के बाद कोर्ट रूम नंबर 102 में जब वकील अपनी कोर्ट्स में जा रहे थे तो एकदम से ब्लास्ट सुनाई दिया। जैसे ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद अब ये पता चला है कि कोई थैला था, थैले के अंदर कुछ क्रूज थे और वो उसमें ब्लास्ट हुआ है। अब FSL टीम वहाँ पर आएगी, वो देखेगी कि स्थिति क्या है और क्या इसके अंदर फाउल प्ले है। हमें सुनने में आया कि गोली चली है और काफ़ी जोर का धमाका हुआ था। हम उस कोर्ट की तरफ रश हुए तो जैसे ही उस तरफ पहुंचे तो बीच में पता चला कि गोली नहीं चली है। कोर्ट के बाहर ये पता चला कि भाई उन्होंने सील कर दिया था कोर्ट को उसको, और पता चला कि कोई लैपटॉप किसी का चार्जिंग पे था सुबह से, वो ब्लास्ट हुआ है। तो जब जैसे ही कोर्ट के अंदर की तरफ जाने को हुए तो पता चला कोई एक्सप्लोसिव आइटम थी, वो फटी है, वो ब्लास्ट हुई है। सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी सिस्टम दिल्ली का फेल है, मैं यही कहना चाहूँगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जब कोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई तो अफवाह फैल गई कि कोर्ट में गोली चली है। कुछ दिन पहले हुई गोलीबारी की घटना जहन में आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। जब धमाके की बात पता चली तो तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जो लोग घायल हुए थे उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जांच टीम इस मामले में कोई लापरवाही नहीं करना चाहती, इसीलिए जांच के बाद ही धमाके को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि की जाएगी कि विस्फोट कैसे और किसमें हुआ। अभी तक यह धमाका संदिग्ध ही बताया जा रहा है। फिलहाल रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा के मद्देनजर सभी तरह के कामकाज को रोक दिया गया है। साथ ही कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही 2 हमलावरों ने रोहिणी कोर्ट में एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हमलावरों को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया था, जिसके बाद से ही कोर्ट में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। कोर्ट परिसर में हुए आज के धमाके की वजह से परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। साथ ही इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ NSG को सौंपी गई है। अब जांच के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि धमाके की असली वजह क्या थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।